राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे गार्डन के पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है और हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों की ज़रूरत होती ही है। कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि ख़ास तौर से मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मैं केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ में वही सब शेयर करने वाली हूँ कि मैं कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। फर्स्ट ये देखिए, सीवीड्स जो है वो ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और ये एक तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ये ऑर्गेनिक है और इसके जो गार्डन्स के प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है ऑर्गेनिक जो कि पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। इसमें सभी तरीके के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसको आप जो भी प्लांट्स होते हैं उनके लिए अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है। सेकंड, अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं तो ये देखिए, ये है बोन मील, रोस्टेड बोन मील है जो कि अडेनियम के लिए और काफ़ी सारे प्लांट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको आप अगर यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा जो पोटेशियम का स्रोत है, काफ़ी अच्छा मतलब प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फर्टिलाइज़र है वो होता है, तो इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड में फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ, ये देखिए डीएपी। डीएपी इसका मैं यूज़ थोड़ा कम करती हूँ, लेकिन ये डीएपी है, ये देखिए इस तरीके से ग्रेन्यूल्स के अंदर है मेरे पास में। ये भी जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके लिए, जैसे जैस्मिन के लिए वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा ये एक फर्टिलाइज़र होता है जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। इसके बाद देखिए, ये एनपीके 1919 है पिंक कलर का। इस फर्टिलाइज़र को भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ जो कि एक नाइट्रोजन का रिच सोर्स है और पौधों को हेल्दी रखने में, उनकी ग्रोथ के लिए, न्यू ग्रोथ फ्लावरिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है, ये देखिए म्यूरेटो पोटाश है जो कि पौधों के एक पोटेशियम का ये भी एक रिच सोर्स है और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए और उनकी जो एक ग्रीनरी, एक अच्छे सा उनका लुक, जो हेल्दी एक ग्रोथ होती है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये है एप्सम सॉल्ट, और एप्सम सॉल्ट का जो यूज़ है वो भी पौधों को एसिटिक मिट्टी बनाने के लिए, और काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आप इसको जब यूज़ करते हैं तो पौधों की जो ग्रोथ है, मिट्टी है, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और काफ़ी हेल्दी हो जाती है। अब ये जो भी सारे फर्टिलाइज़र्स हैं, बस आप जब भी इन्हें यूज़ करें या यूज़ करने का जो इनका एक तरीका होता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इनकी एक जो लिमिटेड क्वांटिटी होती है आपके पोट के हिसाब से, आप उसी हिसाब से इनको यूज़ कीजिए, वरना ये बेनिफिट देने के बजाय आपके पौधे को हार्म कर सकते हैं, उसको प्लांट को जला सकते हैं। तो गाइस, जब भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें तो उसके बारे में आपको पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरीके से मुझे कितनी मात्रा में यूज़ करना है, और उसके बाद ही आप उसे यूज़ कीजिए। मैं भी ये सारे यूज़ करती हूँ, हालांकि मैं ये कम यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हैं उन्हीं पे मेरा कॉन्सेंट्रेट रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो नहीं रेडी कर पाते तो फिर मैं ये वाले फर्टिलाइज़र हैं जो यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर करने हैं ये केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़, तो आप ये सारे, कम से कम आपके पास ये इतने फर्टिलाइज़र तो होने ही चाहिए, आप लाइए और इनका पूरा नॉलेज लीजिए कि किस फर्टिलाइज़र को कितना यूज़ करना है, उसके बाद आप यूज़ कीजिए और अपने पौधों में इसका इफ़ेक्ट देखिए, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।